ये सारे मुद्दे ब्लेंडिंग, पर मुझे ये जानना है एक आप जिस जगह पे है उसको हिसाब से देखते हो, सरसों में किसानों में हाइब्रिड सीड की स्वीकृति कैसी है? किसान चाहते हैं हाइब्रिड सरसों किसान चाहते हैं या प्योर लाइन वैरायटी ज़्यादा चलती है? नहीं, ज़्यादा तो हाइब्रिड तो बहुत कम है, मेरे ख्याल से दो चार ही हैं, लेकिन ज़्यादा प्योर लाइन ही चलते हैं। लेकिन मेरा ये कहना था कि वो जो सीड ग्रोवर था उसने मुझे ये कहा कि मेरा जो हाइब्रिड का जो यील्ड है वो मतलब हाइब्रिड की यील्ड 2 क्विंटल कम थी और पर हाइब्रिड मेरे को कॉस्टली बैठता है, ये उनका। पर हमारा जो हमारा ये कह रहे हैं सरसों की जो वैरायटी भी है उनकी यील्ड हाइब्रिड के एट पार है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो 2 क्विंटल ज़्यादा भी मैं छोड़ दूँ, एट पार है हमारी वैरायटी। लेकिन उनका क्योंकि हम जो है पब्लिसिटी प्रमोशन और ये एक्सटेंशन एक्टिविटी प्राइवेट के मुकाबले वो जीरो, पब्लिक सेक्टर की जीरो, तो इसकी वजह से हम लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। वो ठीक है, वो तो समझ में आता है कोई भी पब्लिक सेक्टर का, मगर क्या आप सरसों में हाइब्रिड सीड डेवलप करने का सोचेंगे? ICAR को एजेंसी को कहेंगे कि आप हाइब्रिड लाइए क्योंकि किसान को हाइब्रिड चाहिए? आपको बता रहा हूँ अभी वाले को उन्होंने बोला कि 15 रुपए पैकेट या क्या था तेरे को देंगे, वो सुबह शाम जो है अपने 100 पैकेट रखा, वो काम के आया तो उसने जितने बेच दिए उसके उतने रुपए हो गए। ये जीएम सरसों तो हाइब्रिड बनाने के लिए आ रहा है तो क्यों सरकार इतना वेस्ट कर रही है ये बताओ, ये पूरी बात उसी के ऊपर है कह रहे हैं। मेरे ख्याल से सुबह के सेशन में मैं नहीं था, मुझे लगता है कि अभी रानी मुझे बोलना भी चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी हमको जो है ना हमारे साइकिल वाले को हम यदि आप वो पकड़ा दो तो एक्सीडेंट ही होगा, मेरा अपना मानना है, मेरा पर्सनल व्यू है। हम यदि साइकिल चलाने वाले को आपने स्टेरिंग पकड़ा दिया वो भी BMW और उसकी तो एक्सीडेंट ही होगा, मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मेरा सर एक Is there any regulatory authority in India? Can we think of that they should control all these bandi variety, bandi companies, private companies that उनके पास कोई R&D setup नहीं, उनका कोई germplasm ये नहीं है, कोई सिर्फ कागज पे जो कंपनी है, तो उनको हम control करने के लिए अगर कोई authority हम सोचते हैं, तो अलग authority बनाने से अच्छा क्या NSE इस काम के लिए suitable रहेगा? NSE तो एक stakeholder हो जाएगा क्योंकि वो खुद ही प्रोडक्शन में है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर वही जो मैंने आपसे कहा कि अभी हमने ये रिकमेंड किया है कि जो प्रोसीड प्रोडक्शन भी जो है ना उसके लिए कोई एक यार्ड स्टिक हमें बनानी चाहिए कि ये लोग ही सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं, यार्ड स्टिक बनाने के उसमें एक प्रॉब्लम था, नहीं हर साइड गवर्नमेंट के पास क्यों सी आएगी? नहीं नहीं सर, प्रॉब्लम अगर ये होगा अब का हम सुना है अब स्टेट गवर्नमेंट है क्यों सी सेक्शन उसको हर चीज को अधिकार है कि किस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हो, किस प्रोडक्ट को बेचते हो, whether this company exists or registered or not। ये कंपनी तो रजिस्टर्ड है ना, स्टेट गवर्नमेंट करती है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे जो लाइसेंस देती है वो इस दिन में नहीं करेगी। नहीं अगर नहीं है तो फिर ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि उसको कंट्रोल करे, पर अगर कंट्रोल में जाता है तो अथॉरिटी अगर बन जाती है तो फिर जो
किसान अपना बिल बना के अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे उस पर भी कुछ बैन नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई रेगुलेटरी सिस्टम बन गया फार्मर्स को तो कोई बैन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बन जाता है तो उसके पास तो कोई गर्म प्लाजम है नहीं या उसके पास कोई आरएनडी सेटअप नहीं, लेकिन स्टिल ही इज मेकिंग सीड्स, उसको अलग करके सिर्फ जो कंपनी के नाम से जो बन रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए उसके लिए तो बैन है। मैं वही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं इस देश में 400 कंपनियां साल पैदा होती है रात को, वही अगले साल 400 खत्म हो जाए पर उसमें अभी जैसे जो मैंने यही कहा कि अभी हमने जो कल कमेटी जो हमारा पूरे एक इंडस्ट्री के लोग बैठे थे उसमें हमने ये प्रपोज किया है इसके लिए एक जो सीड प्रोडक्शन का लाइसेंस का अलग से सेटअप बनाया जाए कि कौन आदमी सीड प्रोड्यूस करे, अभी तक उसका कोई प्रोविजन या उसकी क्वालिफिकेशन हमने डिफाइन नहीं। इसमें से जब ये लाइसेंस बनेगा तो उसमें से जो इंडिविजुअल फार्मर है वो फार्मर लेवल पर कर रहा है वो उसमें से एग्जम्प्ट रहेगा, वो तो एग्जम्प्टेड है ऑलरेडी फार्मर, तो पीपीएफआर के अंदर हां तो उसी का उसी में लगा। पर फार्मर के लिए है कि ही कैन नॉट सेल इट एज ए ब्रांड, नहीं वो तो ठीक है वो ब्रांड ब्रांड करके नहीं सेल करेगा फार्मर, तो फ्री मतलब अलग रखूंगा, लेकिन ब्रेज में जो किसान है उनको 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 सीड सोसाइटी भी सीड सोसाइटी का वॉल्यूम के ऊपर आप तय कर सकते हैं। आप कहां से बिलोंग करते हैं? मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। सीड सोसाइटी का यदि आपने हिस्ट्री जाननी तो आप मध्य प्रदेश चले जाइए और स्टडी कर दीजिए। तो सीड सोसाइटी के मेरे अपने मेरे रिजर्वेशंस हैं, लेकिन सीड ब्रेज का जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली ये है कि हम हमारा जो जो हमारा पर्टिकुलरली जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है जिसमें हमें कि देखा जाए हर तीसरे साल में 33% टारगेट रखा है, माने हर तीसरे साल में सीड रिप्लेस होना चाहिए, तो ये जो अगले दो साल के लिए सीड जो होगा उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उनको ट्रेंड किया जाए विद इन फार्मर्स और बढ़ता है ताकि उनको अननेसरी सीड हर साल ना रिप्लेस करना पड़े। लोकवन जैसा लोकवन के बारे में बताया था उसमें स्पेसिफिक एक क्वालिटी रहती है इसे कि जैसा वो दाने गिरते नहीं थे, अगर सूख भी जाए कटाई में लेट भी हो जाए तो भी नुकसान नहीं होता था, और दूसरा उसका दाना ऐसा था एक्सेप्शनल उसमें एडल्ट्रेशन नहीं हो सकता था, तो ये दो क्वालिटीज थी, तो उसी को इम्प्रूव ना करके नए सीड्स आ गए अवेलेबल उसमें दोनों क्वालिटीज अपसेट हो गई, उसी ने कह रहे हैं कि वो क्वालिटी का हाई यील्ड यदि आ जाए उसी का यदि हाई यील्ड आ जाए और वो क्वालिटीज मेंटेन मेंटेन रहे तो वही कहने का मतलब था वो नहीं रहा एक्चुअली वो नहीं हुआ। हां वो उसके थोड़ा सा क्रॉप वन के करेक्ट डाल दिए गए लेकिन वो है टाल वैरायटी, टाल वैरायटी होने के अगर उसको इनपुट ज्यादा डालेंगे तो वो ग्लोज हो जाएगी, उसके ट्रैक्टर जो है डाले गए हैं तो बीज के कलर चेंज हुए हैं, ऐसे सी 306 के जो ट्रैक्टर डाले गए हैं हमारी जो नई वैरायटी मैक्सिमम डेवलप हुई है यील्ड बढ़ गई है, कलर वही आ गया है लेकिन थोड़ा बहुत टेस्ट में फर्क है, लेकिन लोगों में अब टेस्ट आ गया है। नो सिस्टम इज परफेक्ट, क्योंकि हमारे एक जो भी नीति की स्थिति हर व्यक्ति की रहती है वो सरकारी तंत्र हो कंपनी हो या किसान के गुट भी हो हर जगह पे कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी वो चलता रहेगा। अगर आप देखिए कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में भी पीजीएस है, यानी सर्टिफिकेशन में सरकारी तंत्र के बाहर भी लोगों को एम्पावर किया गया, ऐसे एफपीओ बनाए गए हैं जिसमें भी अलग अलग प्रकार के प्रावधान उनको यानी कम्युनिटी को अलग अलग तरीके से एम्पावर किया जाए, थोड़ी गलती जरूर करेंगे अगर ये कम बोझ तो कम हो जाएगा, तो सीड प्रोडक्शन में भी अगर इस प्रकार से कुछ प्रावधान सर्टिफिकेशन या उसके प्रोडक्शन क्वालिटी एश्योरेंस लोकल एडेप्टेबिलिटी उसके हिसाब से कोई एक पूरी व्यवस्था खड़ी हो जाए तो इतना कंट्रोल सेंट्रलाइज करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सेंट्रलाइज करने से ठीक से नहीं बैठ रहा, डिसेंट्रलाइज हो सके उतना ऑफिशियल। मैंने आपको जो कह रहा हूँ ना कि सीड विलेज स्कीम का कॉन्सेप्ट एक ही था कि सीड उनका ये था कि विद इन फार्मर्स जो सीड मेंटेन करना है अगले दो साल विद इन फार्मर्स जो सीड आपस में बटेगा जैसे आप पहले घरों में करते थे तो वो थोड़ा मेंटेन है, अब सीड सोसाइटी ही वो स्टेट गवर्नमेंट में जा जा के ऐसे काम कर रहे हैं तो वो उनको अलाउ नहीं होना चाहिए, वो मेरा रिजर्वेशन था तभी मैंने आपसे कहा ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीड सोसाइटी बट लोकल से नहीं होना चाहिए। यस वही मैं कह रहा हूं, नहीं साहब ऐसा है कि ये सब कम ज्यादा सब में होता है 19-20
जैसे कॉर्पोरेट में भी 19-19 रहते हैं हो रहा है तो उसी प्रकार से सीड सोसाइटी में भी होगा। सीड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो मैं कर रहा हूँ विद इन फार्मर्स तो अदरवाइज सीड सोसाइटी भी सीड डीलर के तरह ही ट्रीट हो। नहीं उस प्रकार से नहीं फील करने मॉनिटर करते हुए उसकी व्यवस्था को ठीक करते हुए प्रमोट करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि सीड सोसाइटी भी फिर गवर्न होगी जो आपका कहना था ना कि क्या वो भी लाइसेंसिंग से गवर्न होंगे वो बात नहीं। तो मेरा ये कहना था कि जो फार्मर उदिन फार्मर था उनके लिए कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है पर यदि सीड सोसाइटी बिजनेस करे ब्रांड नेम से आएगी तो उनको तो लाइसेंसिंग में आना ही पड़ेगा। एक मिनट साहब, ब्रांडिंग का भी महत्व है, पैकिंग करने दीजिए। आज छोटे किसान भी उस स्थिति में जा रहे हैं, आप उनको कहिए कि आप 100 किलोमीटर या 15-15 गांव के बाहर अगर बेचते हैं तभी आपका बिजनेस बढ़ा। वो बात आई लाइसेंसिंग की, बात आ रही है लाइसेंसिंग की। तो यदि सोसाइटी 100 किलोमीटर का बिजनेस करेगी तो वो सोसाइटी सीड मनी प्रोड्यूसर के लेवल पे आएगी और उस रूल से गवर्नमेंट लाइए है जीएसटी 20 लाख एफएसएसआई 12 लाख कोई ना कोई तरीके से उन छोटे प्लेयर्स को कम्युनिटी को प्रमोट होने दीजिए, गलती भी करने दीजिए। उसकी चिंता करने की बात नहीं है। क्या रहता है जैसे अभी जैविक के मामले में चल रहा है ना तो पीजीएस चल रही है तो वो जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूस लेते समय पीजीएस के आधार पर ले लेता है, अगर वो सही है तो बार बार जाता है नहीं तो छोड़ देता है। उसी प्रकार से हमको इसके ऊपर थोड़ा सा फेद करते हुए हम उसको छोड़ देना चाहिए। ये तो खाने की बात है, अब देखो वो तो फूड की खाने की बात है और पूरा सरकारी तंत्र से भूखे से रोगी लेकर देखिए एक सोसाइटी का बिजनेस कितना होगा। डॉक्टर साहब एक सोसाइटी का बिजनेस कितना होगा और आप कॉर्पोरेट के साथ में एमएनसी के साथ में उसको खड़ा करेंगे तो सब में नहीं चलेगा उसकी बात हो रही थी अभी कि जो इस पूरी सीट मैंने ये कहा ना कि अभी जो है इसके लिए सेपरेट लाइसेंस नहीं है जो प्रोड्यूस करेंगे उनकी बात हो रही थी तो उसके लिए हम बना रहे हैं। आपका ये कहना था कि सीड ब्रिज स्कीम में ये लाइसेंस लागू नहीं होना चाहिए, आई एग्री क्योंकि वो अपने विद इन गाँव में हमने वो सीड करना है पर जो यदि कोई सीड प्रोड्यूसर सोसाइटी बनेगी तो उनको भी नॉर्म्स तो फॉलो करने पड़ेंगे और उनका एक्शन तभी हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ उनपे एक्शन तभी होगा जब वो लाइसेंसिंग के तहत होंगे। यदि माना कोई किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है तो वो उसपे वो तो फिर इसका मतलब चीटिंग हो गई ना। नहीं तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे। नहीं सोसाइटी कंट्रोल करी क्योंकि लोग जानते हैं कितना भी सीट दे सकते। तो मैं ये चाह रहा हूँ सोसाइटी एक्ट में प्रॉब्लम आएगी, आप जितने भी आसपास 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के जो भी फार्मर हैं वही 10-5 रुपए दे के एक वेलफेयर सोसाइटी बना लें और आपस में फिर कुछ भी करें देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ जो सीट है आपको बेचने वाली बात आई टैग लगा के तो नहीं बेच सकते, पैकिंग करके नहीं बेच पाएंगे पर आपस में एक्सचेंज कर लेंगे वो वेलफेयर में ना तो जीएसटी लगने वाला है और ना कोई टैक्स लगने वाला। मेरी बात सुनिए आप उसका टैगिंग करके दे सकते हैं बस टैगिंग ये बात सुनो टैग नहीं सीधे टैगिंग नहीं सुनिए मैं बता रहा हूँ जो आप मेरी बात पूरी जी समझ गए बता दूँ आपको क्लियर सील पैक नहीं बेच सकते ओपन लूज पैक आप पूरा बेच सकते हैं वो एक बात। दूसरा आप हर बार आपको लगता है आपके और कंज्यूमर है आप उसी दिन उसको मेंबर बना सकते हैं देते समय भी। सुनिए मैं ओपन कर रहा हूँ ये तरीका बता रहा हूँ कल ये नाम किसान को बताया गया था तरीका बता रहा हूँ तब आज आपने सील सीट उसको दिया सुबह आप मेंबर बना सकते हैं ये सीट लेट है भाई देखो भाई गलत तरीका तो बता रहा हूँ मैं नहीं तरीका बता रहा हूँ अभी सीट दिया अभी मेंबर तो ही हैज टू बी द मेंबर देयर विल बी नो टैक्स और
ब्रांडिंग करने के लिए, फिर आप ऐसे आदमी नॉन मेंबर को आप सेल नहीं कर पाएंगे। सर मैं बताऊँ आप पैकिंग की बात कर रहे, सिंपल बात आता हूँ, जब कोई नई वैरायटी निकलती है हम किसान को बीज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको कहते हैं तुम यूज कर सकता है, किसी को दे सकता है, और आप उसके अंदर बेचेंगे ना, तो पैकिंग उस पर नॉट फॉर सेल, नो यू कैन सेल तो ये 100 किसानों को एक एक किलो बीज दे सकता है, उसका चार्ज ले सकता है। मैं एक बात इसलिए ये तो वेल बनाने से आप बहुत से काम उसमें सीडी नहीं पेस्टिसाइड सब में उसको बेनिफिट मिलेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ वेलफेयर सोसाइटी आप एक गांव की बना लें 100 गांव की बना लें, हमने ऐसे चित्रकूट में किया तो ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनी हुई है तो आप इसलिए छोटे बैंकिंग भी कर सकता है आप भी हो जाते हैं वो कहते हैं सीडी पैकिंग करके नहीं जा सकते वो भी चल जाता है कपड़े से सिलाई कर देंगे तो कोई नहीं रोकेगा मगर वो उसमें लिबर्टी है वो टच नहीं करता नॉर्मली टच नहीं करता तो दिस इज वन ऑफ द मीन्स कि जिससे हम लोग एक लार्जर ग्रुप को फार्मर्स को करके उसमें यही बेनिफिट है बहुत बेनिफिट है वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर। आप एक कम्बाइंड लोन भी ले सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं कम्बाइंड सर्विस सेंटर खोल सकते हैं इसके लिए गवर्नमेंट एड है वो आप सब कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा तेलंगाना में मुल्कनूर बहुत अच्छा चल रहा है अभी निजामबाद जिले में रामपुर बोल के एक सोसाइटी है अपने किसान संघ कार्यकर्ता भी चार लोग चेयरमैन बने हुआ वो अच्छा चलेगा सीड भी चला रहे रेशमी भी चला रहे उनको आप लास्ट टाइम नेशनल अवार्ड सेकंड अवार्ड भी मिला है। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छा चला है तो ये सब कुछ कर सकते हैं ये प्राइवेट कंपनी का अलावा भी सोसाइटी अच्छा नाम कमा रहे हैं और सब उनके पास विश्वास है। सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है इन मध्य प्रदेश ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीड इज बीइंग सप्लाइड थ्रू गवर्नमेंट जो सीड सप्लाई करती है वो इनके माध्यम से करती है कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो सीड का लोन भी इनके माध्यम से देती है बट द क्वेश्चन ऑफ सीड सोसाइटीज इज ए डिफरेंट पार्ट वो सीड प्रोडक्शन करेंगे सीड प्रोसेसिंग करेंगे और फिर वो आपस के मेंबर्स को वो देंगे ये अलग सोसाइटीज बनी हुई है। इसमें मेरा निवेदन ये जो लाइसेंस की जो आपको बात कर रहे थे इसमें एक ऑप्शन टर्न ओवर बेसिस पे पैक कर सकते हैं कि एक निश्चित टर्न ओवर में लोकल फार्मर्स को दे सकेगा उसके ज़्यादा टर्न ओवर होगा तो लाइसेंस रहेगा सरकारी तंत्र से बाहर की कम्युनिटी से कंट्रोल करो पीजीएस जो है और दूसरा कैटेगरी के हिसाब से उनके लिए कानून और दोनों चीज सीड सेक्टर में भी आ जानी Are we not discriminating between the farmers that those farmers who buy public sector seeds, they get subsidies. Those who buy from private sector, they don't get subsidies. It's a discrimination over us. That is the question number one. Question number two is, आपने टेंडर बोला था, वो बोले थे क्वांटिटी का टेंडर बोला है। आप प्राइस का टेंडर क्यों नहीं बोले? Because all contracts, you know, it is both for work to be done and what price you will pay. So why not introduce a system that you will ask state governments to bid not only quantity but also price. So that way you will make seed sector more marketable, more market oriented. वो हो नहीं रहा है।
वो हो करना क्या है कि आपको पैसा नहीं मिलता है तो आप क्वालिटी के कारण खत्म होती है, अच्छा देते हैं माल को, पीपल डोंट बिलीव इन योर स्टाफ, दे से गॉट ए गुड क्वालिटी सो दे गो टू प्राइवेट सेक्टर, फिर गवर्नमेंट का पैसा तो खर्च हो रहा है तो आप सब्सिडी दे रहे हैं, तो माई वी हैव टू मेक द होल सीड सेक्टर मार्केट रहे. फर्स्ट इज डू टेंडरिंग नॉट ओनली क्वान्टिटी बट प्राइस. साहिदा साहब सुन लीजिए, आपका क्या ओपिनियन है? आई एम जस्ट प्रोवोकिंग यू टू टॉक अबाउट इट. आई एम ओनली प्रोवोकिंग आपको. आपका क्या पॉइंट है? वो कह रहे हैं जो आपने बोला उसको कंडक्टेड कर रहे थे, मैं भी बोलता हूँ. वो कह रहे हैं कि टेंडरिंग क्यों नहीं होनी चाहिए सीट में. आपको ऐसा देखो, प्रैक्टिकल में मैं प्रैक्टिकल में बात करूंगा, ठीक है ना? एक तो क्योंकि आप कई बातें मेरे मुंह से ले हुए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूं कि 2012 और 13 में, 12-13 ही एग्जैक्ट ईयर में आपको एग्जैक्ट में भी रॉन्ग आगे पीछे हो सकता है. जब चना हमने प्रोक्योर किया तो मार्केट ईयर में आपको एग्जैक्ट मेरे को लगता है 12-13 ही था, चने का रेट था 52 रुपीज, ठीक है सर? पहले साल अब मैं 12-13 बोल रहा हूँ तो हो सकता है 11-12 हो. 12-13 में 52 रुपए का रेट था. 13-14 में टेंडर हुआ एक स्टेट में, ठीक है सर? वहां जब टेंडर हुआ चने का तो रेट आ गया 36 रुपया, ठीक है? 36 रुपीज का रेट आया. अब जब वो रेट 36 आया और मैंने जब कोट किया तो मैंने किया 54 रुपीज, तो मेरी उन्होंने पीसी कर दी कि आप उतना मोटा मार्जिन खा रहे हो कि आप जो है 50. मैंने कहा जी मैं 2 रुपए का नुकसान कर रहा हूँ जब मैंने अपनी, क्योंकि मैंने सीड ग्रोअर को 52 रुपए से पेमेंट किया. तो बोले क्यों किया आपने 52? मैंने कहा मंडी का रेट 45 रुपीज था और मेरी पॉलिसी है कि उससे 20% या कुछ ऐसा करके मेरा रेट ऊपर था. तो पर मैंने कहा आपको आज का पता है मंडी का रेट क्या है? तो मेरे ऐसे मैंने कहा जरा आप ही बताओ आज रेट मंडी का क्या, 26 रुपए मंडी का रेट था. तो मैंने कहा जिसने आपको प्रोसेस करके दिया उसको 33 रुपए बैठा और आपने 36 रुपए में ले लिया तो वो तो 3 रुपए कमा दिया. आप ये जो चना बना ये कब बना आप बताओ? ये चना पिछले साल बना ना जो इस साल सीड में आ रहा है. तो जब आप पिछले साल चना लिया इसने उस समय 45 रुपए खरीदा हो, चलो मैंने 52 में खरीदा, इसने 45 रुपए खरीदा क्योंकि मंडी का रेट 45 में था, तो 45 रुपए में खरीद के आज 36 में कैसे दे रहा है जी? इतना कौन सा बड़ा दामदाता हो गया ये? तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन टेंडरिंग जो कि डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे. अच्छा नंबर दो आपने जो डॉक्टर साहब एक सेकंड के लिए होता है इंडस्ट्री, एक सो टेंडरिंग होता है इंडस्ट्री में. सीड इज ए नॉट इंडस्ट्री लाइक प्रोड्यूसिंग. एक मशीन के अंदर बैठे आप, भाई कल आपको ऑर्डर हुआ है कि आपको 300 बोतल वाटर की चाहिए मुझे खाद, तो मशीन बना दे. पर सीड को सेल में जाना होता है. जो टेंडर 33 रुपये दे रहा है उसका सोर्स क्या है, क्वालिटी कैसे आप अश्योर करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है. जो भी डॉक्टर साहब को भी इश्यू था कि जो उनका ये आइडिया है कि जो न्यू वैरायटी हमने प्रमोट करनी, तो एक बार उसका सब्सिडाइज कर दे, तो जब ये परफॉर्म करने लगी तो विड्रॉ की सब्सिडी. तो पर्टिकुलरली जो न्यू वैरायटीज हैं उनको डालने के लिए वी आर गिविंग सब्सिडी, सो दैट वंस फार्मर को यदि माना वो नई वैरायटी हमने यदि सस्ते में दे दी और उसने अडॉप्ट कर लिया उसकी यील्ड अच्छी आएगी तो वो अपना. तो देयर आर डिफरेंट स्कीम्स जिसमें कि ये सब्सिडी देते हैं. इवन ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है मिनी किट के माध्यम से, जस्ट टू इंट्रोड्यूस दी वैरायटी वहाँ दिया, जब परफॉर्मेंस अच्छी आई तो वो फिर पॉपुलर हो जाएगी. That is marketing expense. You cannot call it subsidy. No, you want to promote a product. That is to promote. Not try by government of India to promote. Right, schemes government of India की हैं. To replace the old new with new. Old variety और नई variety को और farmer को थोड़ा सा ऐसा होता है farmer एकदम से नई चीज पकड़ने में थोड़ा resist करता है. आप जब tender ऐसा करेंगे ना price का tender करेंगे ना तो सब स्टेट
देखो ये प्रैक्टिकल कई बातें ऐसी है ना, ये एग्रीकल्चर फैक्ट्री नहीं है दुर्भाग्य से। अब मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, अपना अनुभव नहीं, मेरी बात सुनो जरा, मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल हो रहा है। मैंने यूपी में सीड दिया चने का, उन्होंने ग्रेनुल्स में बो दिया उसको, झांसी में ईटीवी ने पूरा मेरा लखनऊ ऑफिस का ये कि इस पूरी सीड फ्रॉड डन बाय एसएफसी, एसएफएम एसएफटी आई का सीएम, मेरा 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री चलाई पूरी, ठीक है सर। हमने टीम भेजी, देखा तो इतने बड़े बड़े डले, वहाँ कोई विधायक जी थे उनके भाई ने वो पूरा ईटीवी को लाके हमारी पूरी पब्लिसिटी कर दी, मेरी पूरी नौकरी जाने वाली थी। मेरी किस्मत से ऐसी अच्छी बरसात आई, वो ग्रेविल्स में टूट गए और सीड जो है बम्पर जर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर ऐसा है कि इसमें इस पूरी सीड क्यों फल रहा है, इसलिए फल रहा है कि सीड के जर्मिनेशन के लिए कई फैक्टर काम करते हैं, ये एग्रीकल्चर में बहुत से फैक्टर काम करते हैं। तो हम एकदम से नहीं कर सकते सीड इस पूरी से था, कई बार अच्छा सीड भी नहीं जमता क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं था, किसान ने ऐसे बो दिया, तो कई फैक्टर ऐसे हैं कि इसको डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए ये जो स्पूरिया सीड वाले वो भी फायदा उठा जा रहे हैं, उसके ऊपर विचार होना चाहिए, क्योंकि आप जो मंडी का प्राइस आपसे सीड प्राइस से कंपेयर कर रहा है दैट इज फंडामेंटली रॉन्ग। वो अगले बरस का प्राइस कंक्लूड द मीटिंग ना भैया, ये बरस क्या कोशिश हो रही है और कैसे ये जो बेनिफिट उठा रहे हैं सीड कंपनी वाले जो बेनिफिट उठाते हैं, आपने बात करते करते ये भी बताया कि एनएससी के पास से सीड लेते हैं और प्राइवेट कंपनी उनका लेबल लगा के बेचते हैं, ऐसा जो कुछ किसानों के लिए जो ये किया जाता है आपने बताया, उसके लिए रेगुलेशन क्या क्या है उनके खिलाफ में क्या है? ऐसा दुर्भाग्य से सीड बिल हमारा 2004 से पड़ा हुआ है पार्लियामेंट में, तो पहले सेशन में हो चुका डिस्कस कर रहे हैं, वही अच्छा हो गया। तो कई फैक्टर काम कर रहे हैं, पर अभी रेगुलेटरी अथॉरिटी है स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ डिस्कशन इसमें कर लिया है, जो बचा है वो चाय पे चर्चा करेंगे। थैंक यू, काफी इसमें चीजें आई है। तो अभी जैसे बताया कि एनएससी में हमारे पोर्टल ग्रोथ के लिए भी जरूरत है, तो उस दिशा में भी इनका अपना आएगा, और सीड बैंक की बेसिक रिप्लेसमेंट होगा तभी सेट होने के लिए। कहीं जैसे लाइक बताया कि गवर्नमेंट सरकार की भी परचेज हो रही है, तो आपस में जैसे सोसाइटीज विलेज सीड विलेज के माध्यम से कल के लिए हमें कुछ एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का टोमेटो केचप के लिए, फ्रूट्स जूसेस के लिए, सबके लिए जो है पॉलिसी बनी हुई है। प्राइवेट कंपनीज को हम जो है बहुत बड़ी सब्सिडी जो है इसलिए देते हैं कि फार्मर का प्राइस स्टेबलाइजेशन होगा, वो जो उसे उगा रहा है वो प्रोसेसिंग के अंदर जाएगा तो प्राइस स्टेबलाइजेशन होगा। लेकिन एक अध्ययन में सामने आया है कि 95% टोमेटो प्यूरी प्रोसेसिंग के लिए विदेश से आयात की जाती है, हमारे फार्मर का टोमेटो उसमें उपयोग नहीं होता है। 85% पाइनएप्पल फॉरेन से आयात होता है प्रोसेसिंग के लिए, हमारे फार्मर का उपयोग नहीं होता है। 92% बनाना फॉरेन से आता प्रोसेसिंग के लिए, हमारे यहाँ का उपयोग नहीं होता। एक तरफ उसी के लिए सब्सिडी जो है उसका उपयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही उसको इम्पोर्ट कर रही है, उसके लिए फिर ये दिया जाता है कि हमारे पास में वो क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं है। तो इसलिए क्वालिटी प्रोडक्शन के ऊपर भी जो है थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए कि पर्टिकुलरली जो उस क्लस्टर्स के अंदर क्या होना चाहिए। दूसरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबके सामने जो है बहुत खुलकर के अभी सामने आ रहे हैं। मैडम ने एक बात कहा कि जिस सीट से करोड़ों रुपया वो कमाने वाले हैं और एक यूनिवर्सिटी अगर 2 लाख या 4 लाख रुपया उसकी टेस्टिंग के लिए चार्ज करती है, उसके लिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर रूल्स बनने चाहिए। लेकिन उसके अगली ही लाइन के अंदर यहाँ से आया
निकल करके कि अगर हम 500 रुपया 600 रुपया ज्यादा लेते हैं उससे 3000 रुपया अगर जो है किसान ज्यादा कमा रहा है तो उसमें हम क्या फुदा कर रहे हैं। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबके सामने है, इनके ऊपर विचार होना चाहिए। सदन के लिए जो है ये क्वेश्चन से खुले हुए हैं, कल हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत ऑर्गेनाइजर की तरफ से आज के चेयरमैन डॉक्टर अमित यादव जी, गोविंद जी और टाइम निकाल के हमारे गौन साहब भी आए, उनका कमिटमेंट था बहुत कम, वो आजकल मीटिंग में जाते हैं तो उन्होंने कहा, लेकिन विशेष अतिथि पे वो आए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बाहर से आए के लिए सब लोग आमंत्रित है। कल हम 9:30 बजे सेशन चालू करेंगे क्योंकि उसके बाद डी जी साहब का काफी व्यस्त प्रोग्राम है, तो उसके पहले हमारा एक सेशन होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूँगा कि कल थोड़ा पैसा भी बना देगा, अच्छी बात है। तो उस प्रकार से प्रोडक्शन डिमांड मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट उसके साथ चलना चाहिए। आज कोई कहेगा कि भैया मुझे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक सीड चाहिए, तो वहीं से मिल सकता है। ये 4 खेत केमिकल वाला चना है, ये 1 खेत ऑर्गेनिक वाला चना है, आपको यहाँ ऑर्गेनिक वाले चना का बीज मिल जाएगा। देयर इज इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक सीड्स एंड वी आर सेल्फ सप्लाइंग दैट सर्कल टू। इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स, इन सारे बीजों को विज्ञान को जरूर लेके जाए, प्लांट ब्रीडर्स को जरूर लेके साथ में जाए, मगर किसान का गुट तय करे कि ये चना हमें अच्छा लग रहा है, ये पीजन भी अच्छा लग रहा है या नहीं। तो उसमें भी इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में किसानों की सूझ समझ आवश्यकताओं को ध्यान में रख के हम करेंगे, तो कहीं ये बात ना हो जाए कि यूरोप से भी हमारे सीड स्टैंडर्ड आए, जैसे फूड में भी आज यूरोप से स्टैंडर्ड आ रहे हैं। तो उसके विषय में लोकल स्टैंडर्ड्स, लोकल चेक्स बैलेंसेस उसके ऊपर, तो ये पूरी व्यवस्था आज की सत्र में कैसे डिसेंट्रलाइज की उसके ऊपर हम अगर बहस कर पाए तो ये अच्छा होगा। मैंने ठीक वो बताया, ये पूरा पैराडिग्म शिफ्ट है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका ये कोई फूकी बात नहीं है, ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं। आज बहुत सारे, एक भारत बीज बचाओ मंच है, बीज स्वराज मंच, अभी अभी हमने अहमदाबाद में 2-4 नवंबर को किसान स्वराज सम्मेलन किया और उसमें सारे देश से 200 सीड सेवर्स 4000 प्रकार के अलग अलग बीज लेकर आए और वो संवार रहे हैं। वी नीड टू गिव साइंस टू देम। तो मैंने यही कहा, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए सीड डेवलपर्स, हम जो नीति विषय बात करने वाले लोग हैं उसके सब दिमाग में किस दी जाए किसान को डिस्ट्रीब्यूशन। मानो न ऐसी भी एक व्यवस्था हो सकती है कि गांव में किसानों को बीज कॉस्ट टू कॉस्ट मिले, भेंट में मिले, ये व्यवस्था हमारे मूल्यों के साथ है, बंटवारा हो, एक्सचेंज हो, सीड का मेला लगे। क्यों पैकेज में मुनाफे वाली चीज भी व्यवस्था के रूप में हम ला रहे हैं, पता नहीं। देयर आर अदर वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कोई कहेगा बहुत ही आइडियलिस्टिक बात है, मगर सही सॉल्यूशन आज नहीं तो 50 साल के बाद इसी में से निकलेगा। धन्यवाद। डॉक्टर एस के राव साहब कुलपति, राजमाता सिंधिया विश्वविद्यालय, किसान संघ के पदाधिकारी बंधुओं और सभी किसान भाइयों, पिछले कल से ये सीट के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है और चूंकि जमीन पानी के साथ ही बीजों का बहुत महत्व है और शुद्ध वो प्रमाणित बीज हमें किस प्रकार से मिले, कैसे मिले, प्रचुरता में मिले, किसानों को समय पर मिले, इस हेतु हम ये प्रयास कर रहे हैं और इसमें राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की क्या भूमिका है उसके बारे में भी हम कर रहे हैं। तो जैसे कि कहावत है कि बोया बीज पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, तो हम अगर बीज सही बोएंगे तभी हमारे को उपज सही मिलेगी। हम अगर वैरायटी में कुछ गड़बड़ हुई, हमें प्रमाणित बीज नहीं मिले, हमें उसमें जो है स्पूरियस बीज मिले, तो भी किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक बार बोए तो कर ही देते हैं और परिणाम जो है 3-4 महीने बाद आता है, तो तब तक हमारी पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमें जो गुणवत्तापूर्वक जो बीज है, क्वालिटेटिव जो सीड है, उसकी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होना भी आवश्यक है हमारे लिए। और इसलिए इस ईश्वरीय कार्य को करने के लिए हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में जो भारतीय किसान संघ ने जो बीड़ा उठाया है और इसके लिए जो एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सर्वे ने भी इस माध्यम बहुत सारा काम पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाया और कर रहे हैं, इसीलिए राज्य सरकार पर कुछ अंकुश लगा हुआ है और वो कुछ चीज़ें फ्रीली करने के मूड में
या वो नहीं कर पा रहे हैं किस कई चीज़ों की, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज का दबाव होता है और उसमें उनको कई परमिशन चाहते हैं और कई मिल भी जाती है, लेकिन बाद में उसको रोक भी लगानी पड़ती है। ऐसे ही सरसों के बीच में भी हुआ, बैंगन के बीच में हुआ, आपको पहले पता है कि पूरे देश में इस पर चर्चा चली थी और उस वक्त के जो कृषि मंत्री थे उन्होंने पूरे भारतवर्ष में इसके ऊपर एक कंपेन चलाई, उसके बाद उनको विड्रो करना पड़ा कि हमें बैंगन में GMO सीड्स की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सरसों में हमें GMO सीड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी हिल्ड में कोई फर्क नहीं है, कोई जब बराबर हिल्ड हमारे स्वदेशी बीज से आ रही है तो हम GMO की तरफ क्यों जाए, उनके नुकसान से हम क्यों परिचित हों। ऐसे मक्का का भी चला था बिना कई जगह कुछ ट्रायल्स लग भी गई थी मॉन्सेंटो के या दूसरी कंपनियों के बारे में, क्योंकि वहाँ उन्होंने GMO की और बिना उसकी परमिशन के, तो उस पर भी रोक लगी। क्योंकि आज हमारे यहाँ की जो सिंगल क्रॉस वैरायटी का जो चर्चा चल रही थी हाइब्रिड में भी, उसका भी काफ़ी अच्छी हिल्ड है, तो हम इसके लिए जाने की जरूरत है। एक पेस्ट के लिए सिर्फ काइलो लगता है, जो काइलो पार्टिलस जो है स्टेम हो रहा, अगर उसको हम थोड़ी सी अगर उसको लेट सोइंग कर दें या थोड़ा सा उसको ध्यान रखें या सीड की 10% मात्रा बढ़ा दें सिर्फ, तो भी हमारा उसका कंट्रोल, क्योंकि जो इतना ही इन्फेस्टेशन होता है और ऐसे ग्रसित पौधों को निकाल दें तो हमारा समस्या का समाधान हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ का सरसों में जैसे एफिड आता है, तो छोटा सा ही उपाय है कि अगर हम अर्ली बोइंग जो सोइंग करते हैं, अगर हम अक्टूबर में हम नवरात्रि की दीपावली से पहले सोइंग कर देते हैं तो उसमें एफिड का अटैक नहीं होगा, अगर हम नवंबर दिसंबर में फिर इसकी सोइंग करेंगे तो फिर निश्चित रूप से एफिड भी आएगा और फिर हमें इसमें दवा का छिड़काव भी करना होगा। तो छोटी छोटी बातों का अगर हम इसमें ध्यान रखेंगे तो बहुत कर सकते हैं। इसके लिए किसान संघ को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप, क्योंकि इसके लिए हमें सभी को थोड़ा बहुत जो पर्सनली भी हमें स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा और हमें जो राष्ट्र हित में कार्य करने की आवश्यकता है इसमें। और कृषि के क्षेत्र में जैसे अभी साथ साथ बता ही रहे थे 70-80% जो चाहे वो तकनीकी है वो स्वदेशी तकनीक काम में ले रहे हैं और बीज का उत्पादन भी हम स्वयं किसान करते हैं, वही बीज जो है आपस में उसी का वापस बोई होती है। तो क्यों नहीं हम जैसे ग्राम बीज ग्राम के ऊपर चर्चा देते हैं, हम ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर बना लें, वहीं पर अपने सीड का प्रोडक्शन करें और उसी सीड का वहीं आपस में लेन देन हो जाए। जो गिफ्ट के तौर पर भी हम अगर बीज का पैकेट देते हैं, जैसे किचन गार्डनिंग का भी ऐसा बना के हम गिफ्ट देते हैं, हम घर में 4-5-10 क्यारी लगा करके अपनी सब्जियाँ खाने के लिए खुद ही बना ले, तो हमें बाकी जो है ऐसी बाहर से जहरीली सब्जियाँ भी नहीं खाने को मिलेगी। और उसमें जो है स्वदेशी का एग्जाम्पल कैपेसिटी भी दे रहे हैं, जैसे महिंद्रा ट्रैक्टर का है, तो उन्होंने कहीं जब जापान गए थे और चर्चा चली तो उन्होंने कहा आपके यहाँ तो महिंद्रा वाले हैं वो हमें कम्पीट कर रहे हैं, ऐसे एक्सपोर्ट्स और वो हमें ऐसा कम्पीट, तो उनके लिए हम इस क्षेत्र में हम नहीं जाएंगे, हम दूसरे क्षेत्र में काम करेंगे जहाँ हमारे लिए स्कोप है। और कल जैसे बताया था कि प्याज के बारे में भी, जो भारतीय प्याज है वो यूरोप में ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि उसमें जो फ्लेवर होता है वो और दूसरे उसमें मिलता ही नहीं है। ऐसे ही हमारी लहसुन का भी है, अभी बीच में चाइना की लहसुन आई थी, चाइना की लहसुन है साइज में बड़ी है, कलियाँ भी बड़ी है, लेकिन उसमें वो फ्लेवर नहीं होता है, टेस्ट नहीं आता है। तो भारतीय वापस जो है हमारी जो लहसुन का है उसी का प्रोडक्शन और लोग उसी को पसंद करते हैं, उसी को खरीद भी रहे हैं। तो ऐसी भी हमें छोटी छोटी चीज़ों को रहता है। विदेशी कंपनियों का प्रयास तो यही रहता है कि भारतीय किसान, जैसे कल वंदना शिवाजी बता रहे थे कि हम कैसे रोकें कि हमारा जो है भारतीय किसान बीज उत्पादन नहीं करें, हम बीज उत्पादन के लिए हमको प्रेरित नहीं करें, जिन टर्मेरिक जो बीज बेचने के बाद वो स्वतः समाप्त हो जाए और वो उगे ही नहीं और बीज बार बार हमारे से उनको बीज लेना पड़े, ये प्रयास उनका रहता है। तो हमें इसमें भी हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। और दूसरी जो चीज़ें कई सारी वो जो बता रहे थे कि इस प्रकार से गोविंद जी भारद्वाज ने बताया कि हम वो एग्रो इंडस्ट्री के उसमें थे, वन तो वहाँ एग्रो इंडस्ट्री है और हमें जो है कॉरपोरेशन का भी जगह नो कॉपरेशन मिलता है, तो हमारे जो संस्थान है जो स्टेट के हैं उनको भी हमें कॉपरेटिव भी हो, एक दूसरे का सहयोग भी करें और हम इसको कैसे आगे बढ़ें और इस समस्या का हल किस प्रकार से करें, समस्या का समाधान, समस्या सभी बता देते हैं, समस्या के साथ समाधान भी बताएं, ये समस्या का समाधान इस प्रकार से हम करेंगे तो करें। हमने राजस्थान में जैसे थे और हमने बताया हमारी सरकार को कि हम बीज प्रोडक्शन के लिए कृषि विभाग के पास में ऐसे कम से कम 20-25 फार्म थे जो अनुपयोगी पड़े हैं, काम नहीं हो रहा है या उसमें बहुत कम उत्पादन, तो हमने 5 कृषि विश्वविद्यालयों में 3-3, 4-4 फार्म हमने बांट लिए जो हमारे कार्य क्षेत्र में आते थे और उस फार्म को हम सिर्फ बीज उत्पादन के ही काम में लगाए। तो बीज उत्पादन हम मक्का का ले रहे हैं, गेहूँ का ले रहे हैं, सरसों का, चने का और इस प्रकार से जौ का, तो ये वहीं पर हमारे एटीक के माध्यम से और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसानों को बीज दे रहे हैं। तो
जो आरएसएससी का जो हमारा यूनिवर्सिटी का सीट है वो बड़े आराम से बिकता है। कई बार इवन पैसे हम ज्यादा भी अगर 2-4 रुपए किलो पे ज्यादा है तब भी किसान पैसा देख लेता है कि उसको मालूम है कि ये गुणवत्ता की वजह से कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। तो क्वालिटेटिव सीट मिलेगा तो निश्चित रूप से वो किसान काम भी लेते हैं, फसल को कोई नुकसान भी नहीं होता और इस प्रकार से हम इसको काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस विषय में बहुत अधिक अभी नहीं कर करती है और मैं राव साहब से निवेदन करना कि वो इस पर अपना अधिक विचार करें। थैंक यू। टेक्नोलॉजी आशुतोष जी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि, किसान भाइयों बहनों, डॉक्टर शहदा साहब साइंटिस्ट, आज ये फार्मर्स किसानों के बीच अपना सेल्फ रिलायंस कैसा करना है ये बहुत बड़ा इशू है। जैसे भारत जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है उसमें हर किसान का गुणवत्ता वाला बीज अपना घर तक लाने के लिए क्या व्यवस्था होगी, सरकारी का क्या व्यवस्था होगी, अपना किसान कैसा व्यवस्था करेगा, किस माध्यम से। फिर भी इतना कॉरपोरेशन, सर्टिफिकेशन एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कंपनीज सब काम करने के बाद भी बहुत सौ किसान कहीं अभी बीज सही टाइम में पहुंच नहीं पाते। एंड बता रहा हूँ जो सरकारी का कोई भी देश में हो, सरकार का जितने भी इन्वेस्टमेंट करें, स्वयं किसान इन्वायरमेंट नहीं रहता उसको अपना बीज भरपूर्ति करने के लिए ये कभी मीट आउट नहीं हो सकता। जो 70% का 60% तक ला सकते हैं मगर ये पूरा हर किसान रिमोट किसान जैसे 2-3 एकड़ का जमीन है वो खेती करता है उसको गुणवत्ता वाला बीज, लेटेस्ट वेराइटी का बीज चाहिए, गेहूँ का चाहिए, चना का चाहिए, धान का चाहिए, जो भी फसल उगाता है, और उस किसान तक बीज पहुँचाना बहुत मुश्किल है। किसी सरकार के लिए भी, किसी सरकार के लिए भी मुश्किल है, किसी व्यवस्था के लिए भी मुश्किल है, पर ये बहुत आसान है उसी रीजनल लेवल में वही लोकली जो गुणवत्ता वाला बीज प्रोडक्शन करके वही प्रोसेसिंग करके पैकिंग करके सप्लाई करने का। ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम लोगों को, बट आप अपने ओपिनियन बताएंगे उसके बारे में, अपना अनुभव बताएंगे, मगर सेंट्रल पॉइंट क्या है, किसानों का गुणवत्ता वाला बीज कम से कम भाव में अच्छा क्वालिटी वाला बीज अपना घर तक कैसा पहुँचेगा, घर में कैसा उपलब्ध होगा बोने का पहले टाइमली, इधर उधर ढूंढना ना पड़े, इस कंट्री के लिए जरूरत है। आगे 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 के लिए भी और ज़्यादा इसमें जोर लगाना चाहिए। अभी तक जो हो गया पर आगे बहुत ये बीज व्यापार में बहुत से बदलाव आ रहे हैं। जैसे 70-80% बीज 3-4 कंपनीज बेचने वाले हैं, सब बड़ा बड़ा कंपनीज हैं, वो ग्रुप बना दिया, 3 ग्रुप हो गया, 3 ग्रुप पूरा अपना भाव निर्धारित करेंगे। किसी बीज बेचना हो तो उनको जो मार्केट में जो बीज बेचने का लायक उनके पास है उसको भाव वो लोग निर्धारित करेंगे और रेट्स भी बढ़ने वाला है। एक तो भाव बढ़ जाएगा, किसान अफोर्ड नहीं कर पाएगा, छोटा मोटा किसान 2-3 एकड़ मार्जिन फार्मर्स हैं, 4-5 एकड़ वाला किसान इतना महंगा भाव में खरीद नहीं पाएगा नंबर वन, और दूसरा उपलब्धता का कोई गारंटी नहीं रहेगा। ऑफकोर्स मल्टीनेशनल्स में क्वालिटी तो रहता है मगर जो इतना महंगा भाव का बीज खरीद के उसको कितना प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा, इतना एग्रीकल्चर अपना कंट्री में इतना रिस्की है, हर सीजन स्वयं से शुरू करके घर पहुंचने तक जो फार्म को प्रोड्यूस बहुत रिस्क लेता किसान, ये रिस्क बेयर करते हुए खेती कर पाएगा, तो किसान खेती नहीं कर पाए तो किसान खेती में इंटरेस्टेड नहीं है, जो मजबूरी है उसके पास जमीन है वो नहीं करेगा तो उसका खाना पीना पूर्ति नहीं होता, उसका बच्चा पढ़ नहीं पाते, इसलिए मजबूरी से कर रहे हैं। और इसलिए ये स्थिति बाकी कंट्रीज में भी, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में भी हो गया है, फार्मिंग नहीं कर रहे हैं मगर किसान का खेती करने के लिए वही खेती करवाना, वही खेती गाँव में रुकवाना और अपने लिए भी प्रोड्यूस करेगा और बाकी लोगों का हमारा जैसे लोगों का भी पेट भरेगा, उतना भी संभावना हो सकता है वो कम्फर्टेबली खेती कर सके। जो इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, बीज का भाव बढ़ रहा है, जो बीज उपलब्ध नहीं हो पाता, गलत सलत बीज आ गया तो उसका कोई व्यवस्था नहीं रहता उसको कॉम्पनसेशन वगैरह देने के लिए, रिमोट एरिया में कौन जाएगा, और ये सब समस्या किसान के साथ बहुत है। ये समस्या मिनिमाइज करते हुए कम से कम जमीन उनके पास है, पानी है, बाकी संसाधन है, गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध हो गया तो उसको 60-70% तक आसान हो जाएगा खेती करने के लिए। और टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, कास्ट ऑफ जो
खेती करने का खर्चा कम करने के लिए भी बीज का भाव कम होना जरूरी है। कम तभी हो सकता है जो गुणवत्ता वाला बीज वही आसपास में प्रोडक्शन हो, वही प्रोसेसिंग हो, वो किसान भी इन्वॉल्व हो, उसको बीज आधा रेट में मिल सकता होगी। ये व्यवस्था मध्य प्रदेश में फार्मर्स सीड कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोग किया था। 15 साल पहले कुछ भी नहीं था हमारा, यही मध्य प्रदेश का स्टेट का बारे में बहुत आप लोग भी कुछ होंगे उसमें, उस एरिया का, उसमें खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता था किसानों को। तो चना जैसी की फसल में 2% का बीज बदलाव दर था, सोयाबीन का 5% से कभी बड़ा नहीं था और मसूर वगैरह 1% था। जैसे किसी क्रॉप का नाम ले लो उसमें 4-5% से ज़्यादा बीज बदलाव दर नहीं है। आज उसी अवस्था में सब सरकार भी परेशान है, किसान भी परेशान है, यूनिवर्सिटी का पूरा साइंटिस्ट परेशान है। ये अच्छा गुणवत्ता वाला बीज कैसा किसानों का पास पहुँचाना चाहिए। सरकार का पैसा लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है मगर उस प्रोपोर्शनेटली बीज बदलाव दर किसान के पास जो बीज उगाते हैं वो उसको भाव दर नहीं बढ़ रहा, 2-3% तक रुक के 4% तक मैक्सिमम हुआ है। उसका कारण हम लोग क्या किया, उसको कहते हैं यूनिवर्सली, ये कहते हैं लोकल डिफ्यूजन सिस्टम्स। लोकल डिफ्यूजन सिस्टम्स में क्या होता है, जैसे प्रजनन बीज है, प्रजनन बीज तैयार करने का यूनिवर्सिटी का ऐसे इंस्टीट्यूशंस का है, वहीं से किसानों का 1 क्विंटल 2 क्विंटल अपना सोसाइटीज के माध्यम से, फार्मर्स कोऑपरेटिव का माध्यम से प्रोक्योरमेंट कर सकें, उपलब्ध करा सकें गुणवत्ता वाला बीज, और वो ब्रीडर सीड प्रजनन बीज ले जाके वही सर्टिफिकेशन फाउंडेशन सीड उगा के वही सर्टिफिकेट सीड प्रोड्यूस करके उसका उससे हम लोग एग्रीमेंट कराया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को। वो जितना भी प्रोड्यूस करता है उसमें जितना कृषि जितना भी सोसाइटी को चाहिए फार्मर्स को, पूरा मेंबर्स नॉन मेंबर्स वो सोसाइटी वाला रख लेते हैं, बाकी सरप्लस बीज उठाने की जवाबदारी कृषि विभाग ने दिया। कृषि विभाग सरकार के रेट के हिसाब से ले लेते थे और किसान 100% अपने गाँव में पूरा आसपास सारे किसान जो बीज सोसाइटी के मेम्बर्स हैं उनके पास पहुँच जाता था और बचा वाला सीड मध्य प्रदेश सरकार को दे देते थे, वो अपने डिमांड में दूसरे किसानों को दूसरा डिस्ट्रिक्ट में ले जाके बेचते थे। ये व्यवस्था था। मतलब सोसाइटीज तो हम लोग 2,332 सोसाइटीज बनाया था। ये अकेला बीज उत्पादक सहकारी समिति है, ये फार्मर्स इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई दूसरा इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है। सोसाइटीज में भी 2 तरीके इंस्टीट्यूशंस हैं, ये तो सरकारी कोऑपरेटिव, वो अपना जो ऑटोनोमस सोसाइटीज हैं। ऑटोनोमस सोसाइटीज में उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता, एक्सेप्ट राइट सर्टिफिकेट देने के अलावा कोई पॉलिटिकल लीडर सर्टिफिकेट नहीं कर सकते, पॉलिटिकलाइज नहीं कर सकते। स्वयं किसान का चुना वाला जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मेंबर्स वगैरह रहते हैं, डिसीजन लेते रहते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं, अपना गांव का रिक्वायरमेंट 4-5 गाँव का रिक्वायरमेंट कितना है उसके हिसाब से ब्रीडर सीड एक किसान आके ले जाता था सोसाइटी के बिहाफ पे और हम लोग देते थे, प्रायोरिटी में देते थे। और ये सोसाइटी प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज का भी प्रशिक्षण देते थे, सोसाइटी कैसा चला रहे बीज सोसाइटी, एंड दुनिया में कहीं नहीं है बीज सोसाइटीज इंडिया का छोड़ के है, कुछ प्रोजेक्ट्स में आके करते हैं चले जाते हैं, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद सोसाइटीज भी खत्म हो जाते हैं। जो मध्य प्रदेश में जो 20 सोसाइटीज है जो दुनिया का बेस्ट एग्जाम्पल है, और 2,332 सोसाइटीज बनाने के बाद फिर हम लोग सोचा एक बार उसमें ये सोसाइटीज तो बन गया, गांव गांव में 4-5 गांव मिलकर बना लिया, प्रेसिडेंट हो गया एक पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा रिसोर्सफुल वाला, दूसरा का सेक्रेटरी बना दिया, अपने घर के सामने बोर्ड लगा देते माँ नर्मदा बीज सहकारी समिति, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में कहीं भी जाके पूछ लीजिए एक भी सोसाइटी क्या बताइए ले जाके दिखा देंगे, और उसका सोशल स्टेटस बढ़ गया, प्रेसिडेंट है पुराना बीज सहकारी समिति सोसाइटी का और एक सेक्रेटरी है, कोई पढ़ा लिखा आदमी अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना ये करना करके प्रॉफिट कमाते थे, और वो प्रॉफिट जो किसान खेती से आने वाला प्रॉफिट और बीज से आने वाला प्रॉफिट दोनों प्रॉफिट अपना अपना खुद लगाते थे और सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कैपिटल राइज करते थे, सरकारी का भरोसे में नहीं बैठा वो। और मैंने 3-4 साल के बाद फिर जाकर देखा इनसे क्या प्रोग्रेस है, और जो मध्य प्रदेश भारत सरकार का बहुत स्कीम है बीज के लिए, बहुत स्कीम है, स्कीम बहुत अच्छा लगता है, बट ग्राउंड लेवल की इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आने तक बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, किसान का चप्पल घिस जाता है वो लोन्स लेने के लिए, कुछ जगह ऐसे भी होता है, कुछ जगह आसान से हो जाते हैं। मगर इस तरीके का कारण कुछ भी हो जो बिना सरकार का फंड का निर्भर न होकर अपना खुद ही प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिया, अपना खुद शेड बना के गोडाउन बना लिया, इस तरीके करके स्वयं अपना जो प्रॉफिट से शेयर होल्डर जैसी बना के कैपिटल रेज करते हुए कुछ सोसाइटीज 5-6 करोड़ रुपये तक गया रहे, वो मेरे एग्जाम्पल्स हैं, मध्य प्रदेश में कहीं भी जा सकते हैं।
विजन डिवीजन में इंदौर में इन सोसाइटीज में, यदि सोसाइटी कहीं भी जाके पहुंच के पूछ सकते हैं आपने शुरुआत में कैसा किया मेंबरशिप रेज करके, उसके बाद आज की स्थिति क्या है। एक तो किसान का स्वयं बीज के लिए सक्षम बना रहे हैं, दूसरा सीजन आ गया तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, तीसरा यह है जो बीज वहाँ लगा रहे हैं वो एक साल पहले से देख रहे हैं वही इस वेराइटी का परफॉर्मेंस क्या है, ये अपना उपयुक्त है क्या नहीं है, जो दुकान के पास जाके खरीद के लाता है पैकिंग में रहता है उसको क्या मालूम अंदर क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या रहता है किसी का पता नहीं चलता। वो पैकेट खरीद के आते विश्वास में डीलर के विश्वास के हिसाब से वो दे देता है, ला के गोली कर देते हैं, ठीक ठाक आ गए तो ठीक है, गड़बड़ हो गए तो फिर डीलर के पास जाके रोते हैं, कॉम्पनसेशन लेने में उनका नानी याद आती है, 5-6 महीने लग जाता है, कंपनी वाला भाग जाते हैं। और सरकारी योजना में जो भी होता है सर्टिफिकेशन से आ जाता है, कहीं गड़बड़ होगा तो वो लोग इमीडिएटली रिप्लेस कर लेते हैं। ये सब रिस्क मिनिमाइज करने के लिए हम लोग को जो लोकल इंस्टीट्यूशंस बनाना पड़ेगा, जैसे वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स वगैरह में बाकी कंट्रीज में बहुत बनाया है, वो प्रोजेक्ट के बाद खत्म हो जाता है, अनलेस इस अपने कंट्री में हमारे जितने भी फार्मास्यूटिकल कोऑपरेटिव्स मध्य प्रदेश में बनाए अभी भी स्टेबल है, अभी भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? वो सेल्फ क्रिएटेड इंस्टीट्यूशंस है, वो उसका खुद का इंटरेस्ट है बिजनेस में, थोड़ा सा बिजनेस लालच है और टाइमली बीज उपलब्ध का होने का लालच है, अच्छा इंक्लूड वेराइटी लेटेस्ट वेराइटी लाने का रास्ता है यूनिवर्सिटी के पास जाके आईसीएम इंस्टीट्यूशन के पास जाके, ये तो स्मॉल क्वान्टिटीज में ले आते हैं 1-2-4-10 एकड़ के लिए पूरा उस एरिया में फैला देता है, तो टोटल इम्पैक्ट कितना होता सोच सकते हैं। जो किसान कभी कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन देखा नहीं है उसके पास भी गुणवत्ता वाला बीज लोकली वहीं का वहीं सोसाइटी का जो मेम्बर बन के नॉन मेम्बर बन के वहीं का वहीं खरीद के लेके अपना उपयोग कर सकते हैं। I wanted to raise two three questions, दो तीन सवाल में क्योंकि सर भी आपके भी जवाब दे सकेंगे। सर ऐसा कोई मैकेनिज्म हम सोच सकते हैं जिसके माध्यम से प्राइवेट कंपनीज हो या और कोई सरकारी एजेंसी हो जिनके माध्यम से हम कोई किसानों को कोई इंसेंटिव या कोई CSR एक्टिविटी में जोड़ के उनको कुछ पैसा दे सके ताकि वो अपना सीड खुद बना के और हमको दें हम उनका मार्केटिंग करें ताकि उनको मार्केटिंग की चिंता ना रहे लेकिन क्वालिटी प्रोडक्शन किसान अपने खेत पे करें, ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं। एक दो और एक दो क्वेश्चन है जरा रख दो फिर आप ही अपने मन सर को रख सकते हैं कि ऐसा कोई माध्यम हम बता, क्योंकि किसान सीड तो बना लेगा बट प्रॉब्लम ये आएगा कि वो बेचेगा कौन, वो बेचने जा नहीं सकता। दूसरा है कि पॉकेट्स में जो लैंड रेसेस है जिनकी अभी भी किसानों की अच्छी पकड़ है लैंड रेसेस पे, तो क्या PPVFR में ऐसा प्रोविजन है कि वो वहाँ की जो लोकल बॉडीज है उनके नाम से रजिस्टर कर, लेकिन कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम है, रजिस्टर नहीं हो पा रहे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं था, तो ऐसे किसी किसान को इंडिविजुअल को पकड़ कर बॉडी को उस रजिस्ट्रेशन के लिए उनको करने के लिए हम कुछ लॉ में कोई प्रोविजन कर सकते हैं कि ताकि जैसे फॉर एग्जाम्पल पुनापुर सुनिए या मेरा नागपुरी संतरा और ऐसे जो चीज़ें वो पुनापुर सुनिए का बीच आज भी पूरे पूरे पुना और आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट में बेचता है लेकिन वो PPVR में रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे जो लैंड रेसेस उनको रजिस्टर करने के लिए हम क्या कर सकें। और मान लीजिए रजिस्टर भी होता है तो वो पर्टिकुलर वही जगह के किसान वो प्रोड्यूस करें और हम उनका मार्केटिंग के लिए हम तो क्या मदद कर सके। तीसरा जैसे प्राइवेट कंपनीज है वो आएंगे मार्केट में वो बिजनेस करेंगे हम उनको कुछ बोल नहीं सकते सोवरेन राइट्स है सबका, लेकिन क्या CSR एक्टिविटी ऐसी कंपनियों की क्या हम सिर्फ स्ट्रीट प्रोडक्शन के लिए लिमिट कर सकते हैं क्योंकि उनका CSR गाँव में स्वास्थ्य सेवा बनाए या कुछ और काम करे, उससे अच्छा किसानों के लिए सीड के लिए कुछ आप करिए, वो पैसा उनके सीड प्रोडक्शन में जाए तो उनको सीड का मूल्य भी मिलेगा और वो सीड लोकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऐसे कुछ व्यवस्था हम बना सकते हैं कि लेजिस्लेशन ले तो लेजिस्लेशन में बदलाव करें या फिर कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म करना है तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म करें। फिर तीसरा है कि किसान ओपन पॉलिनेटेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में जब जाते हैं तब उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, ट्रेनिंग की व्यवस्था है, लेकिन ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हम कुछ लोगों को लिमिट कर सकते हैं कि ताकि जो ट्रेंड हो वही लोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में जाए ताकि वो फेलियर के चांसेस कम दें। एवरीबडी शुड नॉट एवरी फार्मर इज नॉट सपोज टू गो फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ऐसा कुछ हम व्यवस्था करें कि नहीं करें, करनी है तो फिर कैसी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसे कुछ 4-5 विषय मैं थोड़ा सा उनके सामने रखना चाहूँगा, आप सजेशन देंगे तो फिर सर उसको थोड़ा सा नहीं दे सकते कि वो इतने सारे करे और उसको कर सके, तो हमें रेगुलेशन तो इसलिए चाहिए कि किसानों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, उसके लिए हमें रेगुलेशन चाहिए।
Yeah. Once you take self-regulation, there is no need for government to come. See, the government will self-regulation is self-regulation. Why are we confusing that self-regulation should be regulated by which? Okay, you can create a government law framework to allow self-regulation and stop there and don't go beyond it. Like in contract farming, there we should model like in lease farming. Contract should be registered with government. It should be done at MSP. What is this nonsense? Now will it work? It will not work. So same thing. If you want to propagate the concept of self-regulation, then you provide for self-regulation, but let government not put their finger in the pie. You know, they should keep up. I'm just putting a thought before you, sir. Can I? Dr. Rao himself is a learned man. Actually, when the National Seed Corporation was established in this country, the mandate was only to produce hybrid seed. अच्छा हाँ धन्यवाद जब नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बनी थी 1965-63 के अंदर उसका मैंडेट था हाइब्रिड सीड और जो यूनिवर्सिटी भी है हमारा भी मैंडेट था हम भी हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करते थे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ग्रीन राइस का भी हमने पैदा शुरू करना लेकिन बाद में स्टेट सीड कॉर्पोरेशन बन गई क्योंकि ग्रीन राइस के बीज की ज्यादा डिमांड थी तो जिसके कारण वो फार्मर को सीड दे सके लेकिन इश्यू ये है कि हमें दो चीज़ों को डिवाइड करना पड़ेगा जो इन्होंने कहा हमारे थर्ड स्पीकर बैठे हैं कि हाइब्रिड कौन बनाए हाइब्रिड के लिए एक स्पेसिफिक सोसाइटी तैयार करनी पड़ेगी जो वो हाइब्रिड के आइडेंटिटी विलेज में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाइब्रिड भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्रॉप भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हर एक हाइब्रिड का हर एक क्रॉप का सी वहाँ हमें प्रोडक्शन उनकाशी एक एग्जांपल है बस बंगाल के अंदर आपको पता है बंगाली लोग काम करने में उधर ऐसे होते हैं लेकिन वहाँ पर हमने 3000 फार्मर्स को ट्रेन किया उनकाशी ने सोसाइटी बनाई और मध्य प्रदेश से हम पेरेंटल लाइन का सीड डॉक्टर राव के लाइनें दी थी हमने इन्होंने मल्टीप्लाई किया उन लाइनों को हमने बंगाल में भेजा हिंदुस्तान में सभी राजस्थान में भेजा और उन सोसाइटी ने सीड प्रूफ किया और सीड गवर्नमेंट ने और क्या है कि आज की डेट में वो इतने ट्रेंड हो गए हैं ऐसे हमने राजस्थान में ट्रैवल कर लिया क्योंकि गवर्नमेंट का लिंकिंग जरूरी है तभी मैंने कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंडेंट जब तक नहीं आएगा तो फार्मर का बिल भी कोई नहीं देगा आप गवर्नमेंट इंडेंट दे कि हमको इतना हाइब्रिड सीड चाहिए चाहे पब्लिक सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का किसी का भी हो क्योंकि सीड का इंडेंट कब आता है डिमांड कब आती है जब आपको रिक्वायरमेंट होती है इसलिए मूंग का चने का गेहूं का फार्मर आसानी से बीज तैयार कर सकता है कोई मुश्किल नहीं है एक बहुत बड़ा धारणा हमारे पास डब्ल्यू एच अस्पताल जब रिलीज हुई थी पंडित धनीराम जी ने और वैरायटी सेंट्रल वैरायटी इसमें टर्न डाउन कर दी थी और पंडित जी ने कहा कि मैंने तो अपनी वैरायटी को किसान के साथ शादी कर दी है उन्होंने क्या कहा किसान मेला जब हमारे साल में लगा तो 200 ग्राम के 1974 के अंदर पैकेट दे दिए हर किसान को और वो वैरायटी आज भी WH-147 चल रही है जहाँ पर राई बेल्ट है मध्य प्रदेश में चल रही है महाराष्ट्र में चल रही है राजस्थान हमारे हरियाणा के साउथ हरियाणा में चल रही है और जहाँ 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 पानी की कमी है वहाँ पर वो वैरायटी आज भी चल रही है और किसान फिर से किसान में भी चला गया और हिंदुस्तान के अंदर और पूरे देश के अंदर तो किसानों को अगर हम हमारे किसान बहुत सक्षम है आज तक हमने उनको कभी उनको उनका निकाल हिंदी मेरी से कमजोर है उनको हमने अंडर एस्टिमेट किया है आप अगर ये मैंडेट हो जाए कि सेल्फ पॉलिटिक का सीड हमारी फार्मर सोसाइटी बनाएगी और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन स्टेट सीड कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट उनसे प्रिक्योर करेगी तो ये आपका सीड एकदम 100% कवर हो जाएगा हाइब्रिड का सीड यूनिवर्सिटी को मैंडेट दिया जाए स्टेट सीड कॉर्पोरेशन को मैंडेट दिया जाए और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को दिया जाए ताकि इसमें टेक्निकल मैटर इन्वॉल्व रहे क्योंकि वो हमेशा चलाते हैं हमारे पास टेक्निकल मैन पावर फैक्ट है जब टेक्निकल मैन पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी व्हीट का बनाएंगे राइस का बनाएंगे मूंग का बनाएंगे पल्स बनाएंगे तो उनके पास आदमी कहाँ रहेंगे तो एक कंसंट्रेशन हो जाएगा कि टेक्निकल बीज जो हाइब्रिड का है या वेजिटेबल का है या मेज का है या बाजरे का है या सनफ्लावर का कस्टर्ड का वो बनाएंगी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट के साथ लिंक होगा
और वीट का राइस का जो सर्कुलरी क्रॉप है जिनपे कोई मुश्किल नहीं होता, एक बार ब्रीडर सीट दे दिया जाए, अच्छे किसान है उसको आज भी उस हमने मैं अपने किसान बताता हूँ 147 वैरायटी का जब मैं लेकर आया था 20-30 साल तक वो वैरायटी का बीज ऐसा हमने उसको इस्तेमाल किया बिना यूनिवर्सिटी में गए क्यों कि उसको हम सेफ इसलिए एक मैंडेट को डिस्ट्रीब्यूट करो सोसाइटी को लिंक करो। अभी मैं खुद बहुत से किसान के पास गया हूँ देखा हूँ, मैं तो निजामबाद जिला से हूँ, आपको मालूम है अंकापुर में एक गांव तो देश भर में वो बेस्ट विलेज है, फेमस विलेज है, उनको बहुत से इंसेंटिव मिला, एक एक गांव में एक 25 सीड कंपनी है, मगर ये जो किसान है हमारा नंदियाल में हो और ये पालमपुर में हो इधर पूरा जिले में सीड्स उत्पादन किसानों ने करता है, अलग अलग कंपनियों भी इनके जरिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट करते हैं, मगर वो किसान को सही भाव नहीं मिला, इनके साथ वो बीज लेते हैं फिर वो कंपनी वो प्रोडक्शन करवाते हैं बाद में ये वो लोगों का कंपनी का नाम से बेच, वो तो एक्चुअली जो ये आज हाइब्रिड का सब वो बीज बनाने का तो कोई गांव का किसान ही बना रहे एक्चुअली वो किसान को बीटी वो सब वो उत्पादन कौन कर रहे हैं एक्चुअली वो अपना नंदा ये पूरा भाई डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन तो नहीं कर रहे अरे बना कोई भी काम नहीं पूरा किसान कर रहे हैं सब बना नहीं ना प्रोड्यूस कर वो लेके उत्पादन करके डेवलपमेंट करके किसानों ने उत्पादन कर रहे हैं एक्चुअली जो उत्पादन कर रहे हैं वो किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा है, वही किसान उत्पादन करे फिर बाद में दूसरे के नाम पे ना कंपनी का नाम टैग होकर ये बहुत महंगा बेच रहे, ये तो किसान को नुकसान होने वाला है। आप स्वास्थ्य है आप जो बात बोला है ये हाइब्रिड वो बीटी वो अच्छा सीड ये सोसाइटी के माध्यम से अगर सोसाइटी के माध्यम से किसान के लिए आए तो 10-15 गांव का ये उसमें लाभकारी क्यों मिल रहा है वही डायरेक्ट किसान को बीच में बांट जाएगा ये व्यवस्था आना चाहिए। दो तरीका है इसमें आप समझ में आ गया।